हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी कोस्ट गार्ड की जो है ना डेट एक्सटेंड हो गई है, फॉर्म फिलअप की 3 मार्च तक हो गई है। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल साइट को आप 3 से 4 बार रिफ्रेश करोगे तो आपके साइट पे शो होने लगेगा ये चीज़। साइट को मैं बोल रहा हूँ 3 से 4 बार रिफ्रेश करना, ये जो दिख रहा है आपको। रुको, मैं आपको ना यहाँ पे हाईलाइट करके दिखाता हूँ, अगर नहीं समझ में आ रहा तो। ये देखो, न्यूज़ अनाउंसमेंट में दिखेगा, या फिर ये देखो ऊपर में भी एक लाइन जो चल रहा होता है वहां पे भी, कि 3 मार्च तक आपका शाम के 5 बजे तक आपका फॉर्म फिलअप होगा। गाइस, गर्दा लेवल का इसके अंदर कंपटीशन होने वाला है, रियली मैं बोल रहा हूँ। मैं कहता ना 60 तक पहुंचेगा, ठीक है, जिन्यून जो बच्चे होंगे। मेरे एक्सपेक्टेशन ये थी, और 2 दिन से सर्वर खराब होने के बाद ना अभी 76,000 प्लस हो चुका है। मतलब ये कहाँ से बच्चे उठ के आ रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई। ये बात ना देखो, जब GDDP यांत्रिक तीनों रहता था तो लगभग 1.5 लाख जाते थे, अभी मेरे को लगता है GD में लाख तक पहुंचने वाला है। गजब लेवल का यहाँ पे इस बार कंपटीशन होने लग रहा है। मैं आपको बहुत सारे प्रूफ दिखाऊंगा। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब से मेरे को 3 बच्चों ने भेजा है। एक बच्चे का आया था जिसमें कि 74,000 समथिंग, एक मैं सब 3,000 74,000 समथिंग मैं बता रहा हूँ आपको, 74,387, और बजरंगी कुमार गुप्ता का आया 74,500। और उसके बाद एक और बच्चे का आया यहाँ पे, इनका नाम हिडन है, यहाँ पे है 76,000 दिख रहा है, 76,144 14। तो भाई सर्वर इतना गंदा चल रहा है, उस पर देखो इतने बच्चे, एक एक घंटा, डेढ़ डेढ़ घंटा पे, डेढ़ डेढ़ दो दो घंटा के अंतराल पे ना, ये जो है ना 4 बजे तक का है ये मैसेज, ठीक है। 27 फरवरी के शाम के 4 बजे तक का ये है, इतना बजे सबमिट हुआ था ये। और समझ रहे हो कि ये जो सीन चल रहा है ना, देखो डेढ़ डेढ़ घंटा पे दो दो हजार, डेढ़ डेढ़ घंटे, डेढ़ डेढ़ बच्चे जा रहे हैं। अभी 3 तारीख के शाम तक जब जाएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है 3 तारीख के शाम को, ये बोल रहे हैं कि 5 बजे तक, अगर सर्वर अच्छा से इनका काम चला तो डेली के आप 4,000 भी ले लो। तो देख लो, आज 27 को रहन दो, ठीक है, मैं 27 को छोड़ देता हूँ कि चलो आज 77,000 तक जाके एंड होता है, मैं ऐसा मान लेता हूँ। तो मैं 28, 29, 1, 2, मतलब 4 दिन लेता हूँ, मतलब 12,000 और ऐड कर लेना है अपने को। 77 प्लस 12 कितना हो गया भाई आपका, 89। तो मिनिमम आपका 89, और मतलब यही 90 के आसपास आएगा। और ये अगर इस रेशियो को भी फोड़ के आगे निकले ना, तो ये 1 लाख के क्लोज पहुंच जाएंगे। और ये बच्चे कहाँ से उठ के आ रहे हैं, ये क्या जेन्यून बच्चे GD वाले हैं, या फिर DB वाले का मन नहीं लग रहा है तो GD में फिल कर दे रहे हैं। अब ये भगवान जाने भाई, अनएक्सपेक्टेड चीजें हो रही हैं। अच्छा, ईमानदारी से बोलना, कमेंट करके बताना आप में से कितने लोगों की GD की सच में प्रिपरेशन है और आप फेल कर रहे हो। अगर GD की प्रिपरेशन है चाहे नहीं है, अगर आप हमारी बैचेज में अभी जुड़ना चाहते हो जो कि GD सेक्शन 1 के लिए, अगर मान लो GD सेक्शन 2 आपका खाली पासिंग मार्क्स भी ला रहे हो ना, तो मैं GD सेक्शन 1 के अंदर आपको ना आउट ऑफ 60 आपको मैं 50+ स्कोर करा दूंगा इस बैच में, पढ़ने के बाद आप खुद कर लोगे प्रैक्टिस करने के बाद। और मान लो उसके अंदर आपने 25 नंबर भी स्कोर कर लिया आउट ऑफ 50, 30 नंबर भी आपने स्कोर, मतलब 25 भी ला दे रहे हो और 50 में से, तो आपके 75 नंबर पे सिलेक्शन हो जाएंगे। और आपको पता है ना कि सेक्शन 2 के मैथ में 6 से 7 क्वेश्चन सेक्शन 1 का मैथ पूछ रहा है, क्योंकि सिलेबस में है। तो भाई गर्दा लेवल पे होने वाला है, तो इस बैच में पढ़ो। आपको ATZ स्टडी ऐप के ऊपर ना डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, रक्षक बैच में पढ़ो, सेक्शन 1 के अंदर फोल्ड होगी। अगर जिसको फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचना है उसके बारे में कह रहा हूँ, ये 718 रुपये की बैच है। इस बैच में आपको सेक्शन 1 की कंप्लीट क्लासेस कराई जाएगी, रीजनिंग मैथ, GK हो गया, फिर आपका इंग्लिश हो गया, फिर आपका जो भी है जिसके अंदर साइंस हो गया, वो सारी चीज़ें बेसिक से पढ़ाई जाएंगी। टेस्ट सीरीज आपको दिया जाएगा, PDF दिया जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, कोस्ट गार्ड नाविक GD का ना अभी सबसे ज़्यादा मतलब बच्चे इस बार फील कर रहे हैं। रीजन इसके पीछे का ये है कि पहली ये तो ये है कि इसमें इस बार DB की भर्ती नहीं है। बहुत सारे वो बच्चे जिनका साइंस स्ट्रीम था, फिजिक्स मैथ से पास है 12th में, लेकिन वो फिजिक्स मैथ वो नहीं पढ़ते थे ना, तो वो नहीं भरते थे GD में, वो DB में भर देते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ, देखो अगर मैं मान लेता हूँ ना कि हर साल अगर DB के अंदर 30 से 40 हज़ार बच्चे भी भरते होंगे, मैं ऐसा एज्यूम करके चलता हूँ, 40 हज़ार तो नॉर्मल चीज़ है, तो मान लो 30 हज़ार नॉर्मल चीज़, अगर इतने बच्चे भी भरते होंगे तो उसमें से मोर देन 70% बच्चे ऐसे होंगे जो कि 12th में वो वाले होंगे, साइंस वाले होंगे, ठीक है, वो इस बार GD के अंदर घुस रहे हैं। उनकी सेक्शन 1 स्ट्रांग होती है, वो अब सेक्शन 2 पे थोड़ा थोड़ा भी पढ़ लेंगे ना तो भीड़ कर देंगे। और भीड़ का मतलब समझ रहे हो, अगर गलती से वो ना स्टेज 1 क्लियर कर जाए, स्टेज 2 के अंदर वही फोड़ने वाले हैं। रीजन, क्योंकि स्टेज 2 के अंदर जो एडेप्टिटी टेस्ट होने वाला है वो सेक्शन 1 पे बेस्ड होगा, और उनका सेक्शन 1 स्ट्रांग होता है। तो मैं GD वाले को एकदम स्ट्रिक्टली इस बार हिदायत देता हूँ कि अगर आपने सेक्शन 2 पे जान लगा रखा है तो सेक्शन 2 पे जान लगाओ, बढ़िया है, लेकिन सेक्शन 1 को राइट हैंड बनाने की कोशिश करना, अदरवाइज मार खा जाओगे। और मैं अभी तक नहीं किसी को ये चीज़ खुल के बोल रहा था, मैंने हर बार कहा था कि आप बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लेना, बस प्रिपरेशन करना, सीरियस लेना मतलब अभी जो डेट एक्सटेंड हुआ है और जो डेटा निकल के आ रहा है ना फॉर्म फिलअप का, देख रहे हो ये लगातार किस तरीके से बढ़ रहा है। देखो यहाँ पे मतलब ये बच्चे का जब मिला उसके 1.5 घंटे बाद मेरे को ये मिलता है,
इन्होंने बताया कि मेरे को ना ये 1.5 घंटे बाद ये मिला कि 76,114, और जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मे भी ये ना 77,000 पहुंच भी चुका होगा, ठीक है, क्योंकि जब तक मैं ये 4 बजे का है और मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तकरीबन 5 बज रहे, तो 1 घंटे में तो मेरे हिसाब से ना तब तक 800 से 900 फॉर्म फिलअप हो चुके होंगे, क्योंकि और जब डेट एक्सटेंड किया गया है ना, तो अब ऑब्वियस ही चीज़ है, बहुतों को जिसका मन नहीं भी होगा, जो चीज़ अधूरा पे छोड़ रहे होंगे, पीछे हट गए होंगे, चल साइट नहीं चल रहा छोड़ देते हैं, वो भी फिल करेंगे अब, ठीक है, फिल करो, तैयारी करो और बाजी मारो, ठीक है। और एक चीज़ तो क्लियर है कि आपको यहाँ पे रीजन वाइज वैकेंसीज है, तो अपने अपने रीजन में देख लेने के ब्रो, कितना भीड़ है कितना नहीं, और प्रिपरेशन में जान लगाना है उसके हिसाब से। मैंने रीजन वाइज आपको एक्सपेक्टेड कटअप भी बताई है कि उसको मिनिमम स्कोर मान के चलना, उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, उस वीडियो को देखो, और आपके जिस भी रीजन से आ रहे हो, जिस भी स्टेट से आ रहे हो, जान लगा के प्रिपरेशन करो। और मैं अब एक चीज़ बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली 1 लाख भले ना पहुंचे, लेकिन 1 लाख के क्लोज हो जाएगा आपका फॉर्म, क्लोज के मतलब काफ़ी करीब हो जाएंगे 1 लाख के, 3 मार्च शाम 5 बजे तक आपका ये जो सीन है ना, ये काफी 1 लाख के तकरीबन दिखेगा, या तो 90 के प्लस हो जाएगा, 93, 94, 95, या फिर 1 लाख के क्लोज एकदम जाके चिपक जाएगा, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सर्वर इतना खराब होने के बाद 76,000 बच्चे आ जाएंगे अभी तक, सोच रहे हो 4 बजे तक 76,000, खतरनाक लेवल चल रहा है भाई। और वो भी बड़ा रिस्क ले लेके इन्होंने फॉर्म भरा है, जब तक ये लोग फॉर्म भर रहे थे ना, तब तक ऑफिशियल साइट पे ये अपडेट नहीं था, मैं बार बार रिफ्रेश कर रहा था ये वाला, देखो ये 453 में आया है, जब भी आया ना तो ये 453 में, मैंने देखो ये टाइम भी दिख रहा है मेरे, ये स्क्रीनशॉट का दिख रहा है आपको, 27/2/453 में मैं लगभग आधे घंटे से साइट को बार बार वो कर रहा था, रिफ्रेश कर करके देख रहा था, मेरे को लग रहा था कि डेट बढ़ाएंगे डेट बढ़ाएंगे, और अल्टीमेटली इन्होंने बढ़ा ही दिया डेट, और 453 में इन्होंने फाइनली अनाउंसमेंट कर दी कि भैया आ जाओ, दंगल होगा इस बार। इस पर क्या चाह रहे हैं वो लोग अब भगवान जाने, ठीक है, क्या चाह रहे हैं वो लोग, इतना तो जीडी में पता नहीं फॉर्म फिलअप होता भी था कि नहीं, पहले 76,000, अब सोचो ना जीडीपी यांत्रिक मिला के लगभग 1.5 लाख के आसपास पहुंचता था, इस बार जीडी में 76,000 पहुंच गया, तो थोड़ा सा अलग लेवल पे गेम चल रहा है, ठीक है। तो बच्चे इस बार जान लगा रहे, डीबी वाले भी जीडी के अंदर घुस रहे हैं, क्योंकि अगर उनके पास अगर एजुकेशनल सर्टिफिकेट है इस तरीके का, जीडी वाली रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जो जो चीज़ें जीडी को रिक्वायरमेंट अगर वो फुलफिल कर रहे हैं, तो वो फॉर्म भर रहे हैं और वो मेहनत भी करेंगे, क्योंकि डीबी वाले हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे जो पेड बैचेज में पहले से सेक्शन 1 पढ़ रहे हैं, अब उनको बहुत कम पढ़ना है, क्योंकि सेक्शन 1 में देखो मैथ में 6-7 क्वेश्चन तो उनकी बन ही जाने वाली है, सेक्शन 1 की आएगी, उनको मैथ में 4 से 5 क्वेश्चन और बनाएंगे, बाकी फिजिक्स पढ़ेंगे वो, ठीक है, उनका हो जाना है इस पर। तो आप भी यही करो, आप भी मेहनत लगाओ और आपका भी होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका नहीं होगा, और फॉर्म फिलअप आराम से भर लो आप, और मोस्ट प्रॉब्ली कोशिश करो कि रात में भरें। किसी किसी का मैं बताता हूँ अभी क्या सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ ना, बहुतों का ना साइट लॉक हो गया था, मतलब लॉग इन करने पर लॉक हो गया था, मान लो बार बार एरर आ रहा था, वो 24 घंटा बाद दिखा रहा था कि लॉक हो गया, 24 घंटा बाद ओपन होगा। अब वैसे जितने भी बच्चे हैं सबका तो 24 घंटे में अनलॉक हो जाएगा, और वो सब बैठ के क्या करेंगे, सब फिल करेंगे, तो तकरीबन यहाँ पे आराम से मेरे हिसाब से ना, अब कल शाम को मैं दिखाऊंगा स्क्रीनशॉट 80+, ठीक है, 80+ का कल स्क्रीनशॉट मैं दिखा दूंगा, शाम होने से पहले मैं दिखा दूंगा, टेलीग्राम पे मैंने ये चीज़ अपडेट कर दिया था सबसे पहले, तो अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम पे सर्च करना @A2ZStudy, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। और मैं फिर से कहूंगा कुछ नहीं करना आपको, इस बैच में एक बार पढ़ लेना है, सेक्शन 1 में आप इतना अच्छा खासा स्कोर करोगे ना कि सेक्शन 2 आपका खाली क्वालिफाइंग मार्क भी पास कर जाओगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि अडेप्टिटी टेस्ट में हमारा बच्चा ही पास होगा सबसे ज़्यादा, ये लिख के ले लो, जो सेक्शन 1 हमसे पढ़ के जाएगा वो मोस्ट प्रॉब्ली अडेप्टिटी टेस्ट में पास हो ही जाएगा वो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, वीडियो को शेयर कर देना और A2ZStudy को सब्सक्राइब कर लेना।